हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले बहुत ही शानदार टॉपिक। आप सभी ने कहीं ना कहीं नील्स बोर का परमाणु मॉडल सभी ने पढ़ा होगा, जहां पर एक बात बताई गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ लगातार प्रत्येक कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इस थ्योरी के अंदर थोड़ा सा कुछ एक प्रॉब्लम था, जिसके बारे में हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था, वर्नर हाइजेनबर्ग। और उन्होंने फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई एक्चुअल में जो आप थ्योरी दे रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ एरर है। और इसी के लेते हुए हाइजेनबर्ग आए थे, उन्होंने दिया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। अब पहले थोड़ा समझते हैं कि भाई जो नील्स बोर का जो मॉडल है उसमें प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। देखो, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि आपको पता है कि नाभिक है और चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा कि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है और अगर आप फॉर्मुला दे रहे हो, जैसे कि आपको याद है नील्स बोर ने एक वेग का फॉर्मुला इन्होंने दिया था। इन्होंने वेग का फॉर्मुला क्या दिया था, इन्होंने बेसिकली वेग का एक फॉर्मुला दिया था। क्या इन्होंने दिया था, 2.18 × 10⁶ / z / n मीटर पर सेकंड। ये असल में इन्होंने फॉर्मूला दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जो भी परमाणु का आयन का, तो जिस भी कक्षा में वो चक्कर लगाएगा उसकी स्पीड कहीं ना कहीं इसने फिक्स कर दी एक तरीके से, राइट, कि इतनी वेग से वो चक्कर लगाएगा। लेकिन अगर कायदे से सोचा जाए तो देखो, परमाणु जो है आपका, कहीं ना कहीं परमाणु आपका वृत्त का कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ऐसे में उसका वेग लगातार बदलना चाहिए, वो त्वरित होते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई चीज जब तक सीधी चल रही है तब तक तो उसका वेग सही है, लेकिन अगर वो चक्कर लगा रहा है उसके वेग में त्वरित वो होता रहेगा, जिससे कि एक्सेक्ट वेग आप उसका पता नहीं कर सकते किसी भी स्थिति के अंदर। यानी कि अगर आप सोचो कि यार कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर मान लो मैं उम्मीद करूं कि इसका वेग क्या होगा, आप नहीं बता सकते, एक्सेक्ट वेग नहीं बता सकते। तो किसी भी कण की, या जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी स्थिति और वेग का एकदम यथार्थपरकता के साथ मापन नहीं किया जा सकता, कि आप एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। अगर आप वो ट्राई करोगे तो उसमें आपको अनिश्चितता देखने को मिलेगी। तो जो आपके हाइजेनबर्ग थे, वर्नर हाइजेनबर्ग, उन्होंने यही बात कहा था कि आप किसी भी चलते हुए जो कण है, जो बहुत ही तेज गति से चल रहा है, उसका वेग और स्थिति एक साथ एक ही समय पर मापन नहीं कर सकते, वहां पर आपको अनिश्चितता देखने को मिलती है, जिसको कहा गया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था जो हाइजेनबर्ग ने जो है दिया था। तो ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि देखो अगली बात है, जब बात करते हो एटॉमिक मॉडल के लिए, तो आपको प्रिसाइसली पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस जगह पर है। अगर देखो नाभिक की बात करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर है, वो तो फिक्स हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल था किसी एटम के लिए, किसी परमाणु के लिए, जो जानना बहुत जरूरी था। तो यहां पर हाइजेनबर्ग जब आए तो उन्होंने बस एक बात बोली, उन्होंने यही कहा कि किसी भी समय पर स्थिति तथा वेग का यथार्थ मान, यानी एग्जैक्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते। आप एग्जैक्टली क्या नहीं कर सकते, पॉइंट ये है हमारे पास। तो इन्होंने क्या कहा, वहां पर आपको अनिश्चितता देखने को मिलती है। तो इन्होंने फिर एक फॉर्मूला भी दिया है, पॉइंट ये है कि केवल थ्योरी नहीं थी। देखो, वही वाली बात ना, क्योंकि साइंटिस्ट अगर केवल थ्योरी थे तो वो काफी नहीं है, आपको फॉर्मुले की जरूरत पड़ती है अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, थोड़ा और जस्टिफाई करने के लिए, राइट। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, इन्होंने फॉर्मूला दिया स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो। तो अब देखो संवेग कहां से आ गया, तो समझिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन एक कण है और कण के पास द्रव्यमान होता है और उसका वेग भी है, तो प्रॉब्लम है कि वेग में अनिश्चितता है। लेकिन किसी कण के प्रॉपर अगर आपको गति को समझाना है तो आपको संवेग सबसे सही वर्ड होता है, तो इसलिए हमने संवेग में अनिश्चितता लेके चली है, ठीक है। हालांकि संवेग के अंदर वेग आता है, वो हम आगे ऐड कर देंगे। तो इन्होंने बोला कि इन दोनों का जो गुणनफल है डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी वो हमेशा ग्रेटर इक्वल होगा एच अपॉन 4π के। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एक्स क्या है, आपकी स्थिति में अनिश्चितता, कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो लगातार ऐसे गति कर रहा है वो ज्ञात करना चाहो तो एरर आएगी, तो वो तो डेल्टा एक्स हो गया। और किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर आप स्थिति और वेग भी देख रहे हो साथ के साथ, तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, तो वो आपका डेल्टा पी। तो इनका जो गुणनफल है, इन्होंने बोला था कि वो एच अपन 4π के बराबर या उससे ज्यादा होता है, मिनिमम अनिश्चितता इतनी होनी चाहिए। और एच क्या है आपका, एच सभी लोग जानते हैं, ये आपका प्लैंक स्थिरांक है। एच क्या आपका, एक है बीच की, मतलब बेसिकली आपका प्लैंक स्थिरांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। जे एस क्या आपका, जूल इंटू सेकेंड आपका मात्रा का प्लैंक स्थिरांक का, राइट। अब देखिए, अब ये फॉर्मूला असल में बहुत ज्यादा फेमस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, और एग्जाम्स के अंदर पता है इससे एक बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट तो बन सकता है, वो तो एक बात सही है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर अगर बात करेंगे तो वो केवल फॉर्मूला पूछ रहे थे कि भाई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला बता दो, सही समीकरण बताना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, आप लोग भैया ये तो एक ही समीकरण है, नहीं, इस समीकरण के बहुत सारे रूप है, तो आपको वो सभी रूप पता होने चाहिए। तो एक एक चलो सभी रूपों की बात ही कर लेते हैं, कितने कितने तरीके से ये समीकरण लिखा जा सकता है, ये थोड़ा सा
थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो देखो जैसे कि हम जानते हैं संवेग क्या होता है, मेरा द्रव्यमान गुणा वेग है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है m into v, v वेग है मेरा यहाँ पे। तो अगर मेरे पास संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p की बात करें तो वो कैसा है कि देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स संख्या है, उसमें तो बदलाव होगा नहीं, लेकिन देखा जाए तो वेग में अनिश्चितता तो आएगी ना। संवेग में अनिश्चितता क्यों आती है, क्योंकि वेग अनिश्चित हो रहा है, तो वो आपका यहाँ पे डेल्टा v हो जाता है। अब वही वाली बात है, अगर डेल्टा p को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो क्या मुझे नया फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए हमारे पास, चलो मैं ये जनरल फॉर्मूला इसमें चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एकदम अलग से, कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन फोर पाई, ये जो आपका फॉर्मूला था। तो एक काम करते हैं डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो आपको अलग अलग इसी फॉर्मूले के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे, और कुछ स्पेशल रूप जो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे और आप मात खा सकते हैं जिनमें। तो देखो भाई चलो एक बार लग देते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन फोर पाई, एक तो ये हो गया हमारे पास। अगला हम क्या कर सकता हूँ, मैं एम को इधर डिवाइड में लगा दूँ, सारी अनिश्चितता को एक तरफ रख लेते हैं, तो आपके पास इसी फॉर्मूले का एक रूप क्या आ जाएगा कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन फोर पाई एम, ठीक है आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है अब एक चीज और दिखाता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा, देखो एच अपॉन टू पाई को एक अलग संख्या एक अलग चिन्ह से और प्रदर्शित करते हैं, क्या बहुत ध्यान से देखना। अगर हम बात करें तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो एच अपॉन टू पाई स्पेसिफिक, ओके एच अपॉन टू पाई को एक अलग सिंबल भी दिया जाता है, इसको एच कट करके कहा जाता है कि एच बनाए और एक कट लगा दिए ऊपर से एक लाइन खींचती, तो एच कट इसको कह देते हैं। ठीक है तो ये इसका वैल्यू होता है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पर एच अपॉन फोर पाई की जगह पर इसे एच कट के रूप में, इस सिंबल के रूप में भी लिखा जा सकता है, कैसे देखिए। तो इसको मैं एक रूप और ऐसे भी लिख सकता हूँ कैसे, कि डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल एच कट बाई टू, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, और ये कई बार नहीं पता होता बच्चे ये गलती कर गया, तो आपको ये गलती पर नहीं करनी है। या फिर मैं यहाँ पर भी देखो भाई ना, ये तो एच अपन फोर पाई, फोर को क्या कर सकते टू इंटू टू, तो टू पाई, तो एच अपन टू पाई को तो मैंने एच कर लिख दिया और जो बचा दो उसका दो में भाग लगा दिया, तो भाई सेम चीज है। ठीक है अच्छा इसको भी मैं ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी, अब वो तो एक ही बात है, यहाँ पर एम रह जाएगा तो ग्रेटर इक्वल क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन एच कट बाई टू एम, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है तो ये काफी काम की चीज है, और सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो चाहो तो, वहां पे एच कट अपन टू आ जाएगा क्योंकि वो एक ही चीज है ना, या तो ये लिख दो या फिर इसकी जगह मैं डेल्टा पी लिख लूँ, एक ही बात है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग फॉर्मुले आते हैं। ठीक है हालांकि एक फॉर्मुला इसका और भी है, वो है इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगा रहा है तो किसी समय पे, क्योंकि देखो हम समय की बात कर रहे हैं तो समय है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी रहेगी कहीं ना कहीं, तो ऊर्जा और समय में अनिश्चितता भी का एक फॉर्मुला हमारे पास आता है, क्या आता है वो है डेल्टा ई इंटू में डेल्टा टी is greater equal h upon 4 pi, ये ऐसे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा ई और डेल्टा ई इंटू में डेल्टा टी, इन दोनों का गुणा फिर से कर सकते हो, और यहाँ पे एच कट वाला रूप भी लिख दो, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल एच कट बाई टू भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है तो वही वाली बात है, ये दोनों फॉर्मूले सेम। अब यहाँ पे डेल्टा ई की आपके ऊर्जा में अनिश्चितता और टी है आपकी समय में अनिश्चितता, जिस समय पर आप मापन कर रहे हो। ठीक है तो यहाँ पर भी अनिश्चितताएं देखने को मिल जाती है, तो ये भी फॉर्मूले हैं। अब ये ज्यादा नहीं पता होते, अब भाई पता होगा तो कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है हालांकि एक थोड़ा ध्यान रखना, तो देखो भाई ना कि इसमें तो अलग अलग रूप आ गए, अब ऐसे में अगर मैं हल्का फुल्का भी चेंज कर दूं तो शायद आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा ऊपर वाला पर नीचे वाला हो सकता ना पता हो, इसलिए पूरी नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर आप बोलो ना कि भाई एग्जाम में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी चीज आ गई जो भाई पता ही नहीं है, इट्स जस्ट कि वो पता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुश्किल है, बस पता होना चाहिए। अब पता कहां पे चलेगा, पता सारा आपको यहां रैंक पर से चलता है। ठीक है अच्छा एक छोटा सा नोट है वो और लिखा था, आपके काम आएगा। देखो इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में एक बार ध्यान रखना कि आपको ग्रेटर इक्वल का सिंबल लेके नहीं चलना होता, ग्रेटर इक्वल की जगह पर आप केवल बराबर इक्वल का सिंबल लेके चलोगे। ठीक है तो ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे हमारे आंकिक प्रश्नों में, अगर हम बात करें हमारे पास आंकिक प्रश्न में, तो आंकिक प्रश्नों में फॉर्मूला में ग्रेटर इक्वल की जगह इक्वल का प्रयोग करना। ठीक है ये ध्यान रखना। ठीक है क्योंकि अवश्य बात है जब कोई आंसर निकालोगे तो बराबरी में निकालोगे, बराबर या दादा में उसका आंसर नहीं निकलता। ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए न्यूमेरिकल्स का देता है। ठीक है तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है हालांकि देखो अब पता है इसका अपने आप में महत्व भी बहुत ज्यादा है। इसका महत्व क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या ट्राई करा, यहाँ पर जैसे बोर का मॉडल था जो एक बहुत ही शानदार मॉडल दिया गया था, लेकिन फेलियर भी थी, क्योंकि बोहर ने क्या बोला था कि वेग को एकदम एग्जैक्ट पता कर सकते हो, त्रिज्या को पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस पथ में चक्कर लगा रहा है, वो सब पता कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस बातों का, उसके नियमों का थोड़ा खंडन भी करता है कि आप एग्जैक्टली वेग में सही तरीके से उसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि बोर ने जब कहा कि इस प्रकार से अगर मॉडल है तो शायद ये इस तरीके से नहीं है, पर एक्चुअल जब बाद में और एक्सपेरिमेंट किए गए, डी ब्रोगली का भी सिद्धांत आया था, उन्होंने बताया कुछ एटम इस प्रकार से होना चाहिए, बीच में नाभिक और इलेक्ट्रॉन भी सीधे पथ में ना चल के वृत्ताकार पथ में ना चल के इस तरंग
रूप में चलना चाहिए, जो कि आपका डी ब्रॉगली ने सिद्धांत ने अपना डी ब्रॉगली ने जो अपना सिद्धांत दिया था वहां पर इसी बात का एक्सप्लेन भी किया था। तो इससे हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर कहीं ना कहीं क्वांटम मॉडल पे आते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज आपको मिलेगा रैंक प्लस पे। ओके, सो ऑब्वियसली बात देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और ऑलमोस्ट हर साल इनसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो एक स्टेटमेंट वाला, चाहे वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हो, यानी केवल फॉर्मुला ही पूछ ले, तो उसके लिए पूरी नॉलेज और डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप जेई के बच्चे हो चाहे आप नीट के बच्चे हो, नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज में कमी हुई तो आप आसान क्वेश्चन भी शायद नहीं कर पाओगे। कॉम्पिटिशन देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास एक क्वालिटी वाली नॉलेज होना चाहिए। तो फॉर्मेलिटी के लिए स्टडी करोगे तो शायद नहीं पहुंच पाओ, लेकिन क्वालिटी वाली स्टडी करोगे तो पहुंच पाओगे, वो आपको रैंक प्लस में मिलने वाला है। तो रैंक प्लस में देखो आपके लिए कोर्सेज वैसे अवेलेबल है, मैं बता देता हूँ, तो आप हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को सारे के सारे कोर्सेज जेई और नीट के भी आपको मिल जाएंगे, और आपके छोटे भाई बहन के लिए भी जो 8th से लेकर 10th क्लास तक है उनके लिए भी प्री नर्चर कोर्स अवेलेबल है। और आप कैसे कर सकते हो उनको अवेल, यहाँ पर आपको स्कैनर आपको दिया हुआ क्यू आर कोड, इसको स्कैन करके आप रैंक प्लस के ऐप पर जा सकते हो, ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। और एडमिशन के लिए कोई भी क्वारी हो तो 9116300300 पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। सो बच्चों इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, आपको कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इसी प्रकार के और सेशन वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।